ब्रेकिंग न्यूज, चीन ने किया दावा उसने बना लिया है एक आर्टिफिशियल सन यानी कि एक नकली सूरज जो कि चीनियों के हिसाब से है असली से 10 गुना अधिक शक्तिशाली। कितनी सच्चाई है चीन के इस दावे में जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चीन हमेशा ही अपनी तकनीक और खोज से दुनिया को चौंकाता है पर इस बार चीन ने जो किया है उसकी वजह से पूरी दुनिया हैरान है। चीन ने दावा किया है कि उसने आर्टिफिशियल सन बना लिया है और ये ओरिजिनल सन से ज्यादा पावरफुल भी है। तो क्या अब सन भी आर्टिफिशियल होगा? ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी हमारे सूरज जैसा नहीं, ना ही ये आसमान में होगा, ना रोज उदय होगा और ना ही अस्त होगा और ना ही इस पर मौसम का असर होगा। कहने का मतलब है कि सूरज से आपको हर समय एक जैसी ऊर्जा और रोशनी मिल सकेगी। हाँ, ये सच है। चीन ने कैसे प्रयोग में सफलता हासिल कर ली जिसमें वो सूर्य से 10 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। इस प्रयोग के बारे में और डिटेल में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर चाइना को नकली सूरज बनाने की जरूरत क्या है। देखिए, सूरज की ऊर्जा से बिजली उत्पन्न की जा सकती है। सूरज की गर्मी से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं और एनर्जी जनरेट होती है। इसके अलावा हम सोलर पैनल्स लगाकर भी सोलर एनर्जी पैदा कर सकते हैं और ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, मतलब ये ऊर्जा का वो मीडियम है जिसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती। अब चाइना तो हर चीज पर अपना अधिकार चाहता है तो बस उसने अपना खुद का सूरज ही बना लिया और उसने 2006 से ही ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। आखिरकार उसे अपने एक्सपेरिमेंट में सफलता मिल ही गई। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है ईस्ट। यहाँ ईस्ट से मतलब पूर्व दिशा से नहीं, इसका मीनिंग है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक। और इसने हाल ही में एनर्जी जनरेट करने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसने 100 सेकंड तक 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उत्पन्न किया था। ये तापमान सूरज के तापमान से 10 गुने से भी काफी ज्यादा है। धरती पर आज तक किसी भी देश में इतने ज्यादा आर्टिफिशियल टेम्परेचर को पैदा नहीं किया जा सका है। और इसके बाद अगले 20 सेकंड में ये टेम्परेचर 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसे बनाया गया इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ऑफ द चाइना अकेडमी ऑफ साइंस ने, जो कि हेफाई प्रांत में है चाइना की। ये जो बड़ी सी मशीन आपको वीडियो में दिखाई दे रही है इसका नाम है ईस्ट। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इतना अधिक टेम्परेचर जनरेट करने के लिए कौन सी तरकीब लगाई जा रही होगी। तो भाई ये जान लीजिए कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर है और इसमें न्यूक्लियर फिजन के मेथड पर काम किया जाता है। न्यूक्लियर फिजन से ही सूरज को ऊर्जा मिलती है, इसकी वजह से ऐसा प्लाज्मा पैदा होता है जिसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आपस में फ्यूज होकर हीलियम और न्यूट्रॉन बनाते हैं। शुरुआत में रिएक्शन से गर्मी पैदा हो इसके लिए ऊर्जा की खपत होती है, लेकिन एक बार रिएक्शन जब शुरू हो जाता है तो रिएक्शन की वजह से ऊर्जा पैदा होने लगती है अपने आप। और इस मेथड को यूज करके चाइना ने आर्टिफिशियल सन को डिजाइन किया है और ये आइडिया है ली मियाओ का, जो कि शेंजेन के साउदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है। लेकिन चाइना यहीं पर नहीं रुकने वाला, उसका प्लान ऐसे 3 और सूरज बनाने का है जिनके नाम है जे टेक्स्ट और HL2M टोकामाक। HL2M टोकामाक रिएक्टर चीन का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है और वैज्ञानिकों को उम्मीद है इस डिवाइस की मदद से शक्तिशाली क्लीन एनर्जी सोर्स का खनन किया जा सकेगा। इस रिएक्टर में शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल गर्म प्लाज्मा को फ्यूज करने और 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंचने के लिए किया जाएगा। अब चलिए ये भी बता देते हैं कि इस तरह एनर्जी जनरेट करने से क्या फायदा होगा। परमाणु हथियारों और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में फ्यूजन की जगह फिजन रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती और इसमें किसी एक्सीडेंट की संभावना या एटॉमिक मटेरियल की चोरी का खतरा नहीं होता। इससे फॉसिल फ्यूल पर हमारी निर्भरता कम होगी। इसके अलावा चीन के वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि इसे पैदा होने वाली न्यूक्लियर एनर्जी को एनवायरनमेंट फ्रेंडली और ग्रीन एनर्जी में बदला जा सकेगा, जिससे धरती पर बढ़ते ऊर्जा संकट को दूर किया जा सकेगा। बड़े स्तर पर अगर कार्बन फ्री स्रोत के तौर पर ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो भविष्य में क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया को अभूतपूर्व फायदा हो सकता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, एवरी कॉइन हैज इट्स टू साइड्स, चित भी और पट भी। उसी तरह इस प्रोजेक्ट के भी कुछ बैड इफेक्ट्स भी हैं अच्छों के साथ साथ। इस प्रोजेक्ट में बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर का उपयोग किया जा सकता है और किया जा रहा है। इनसे निकलने वाला न्यूक्लियर वेस्ट इंसानों के लिए काफी खतरनाक है। दोस्तों, आर्टिफिशियल सन बनाने का सपना 1985 में 35 देशों ने मिलकर देखा था। इन देशों में इंडिया भी शामिल था। उन्होंने प्लान बनाया था कि आर्टिफिशियल सन पेरिस में बनाया जाएगा, जिसे आइटर नाम भी दिया गया था। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल फ्यूजन रिसर्च एंड इंजीनियरिंग। लेकिन आज तक एक सपना ही है, आगे नहीं बढ़ सका सपने से।
और वहीं चाइना अपने 3 सूर्य बना चुका है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन अकेला ऐसा देश नहीं जो अपना सूरज बना रहा है। फ्रांस भी ऐसे ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि फ्रांस का प्रोजेक्ट 2025 में पूरा होगा। इसके अलावा कोरिया भी KSTAR के जरिए कृत्रिम सूरज बनाने में कामयाब हुआ, जिसे 20 सेकंड के लिए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान स्थिर किया गया था। हाँ, पर ये तो सच है कि कहीं ना कहीं इस रेस में चीन पूरी दुनिया में बाजी मार रही है। दोस्तों, चीन हमेशा से ही पूरी दुनिया पर काबिज हो सके ऐसा ख्वाब देखता है और टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका और जापान से आगे रहना चाहता है चीन। चीन का यह नकली सूरज उसके इस ख्वाब को पूरा करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकता है। इस प्रोजेक्ट से चीन अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। खास बात यह है कि चीन को सफलता तब मिली जब ऐसा दावा किया जा रहा है कि सूरज की रोशनी कम होती जा रही है। खुद नासा भी इस बात की पुष्टि कर चुका है। नासा के अनुसार आकाशगंगा के दूसरे तारों की तुलना में सूर्य जल्दी कमजोर हो रहा है और इस वजह से धरती पर आइस एज का खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में नकली सूरज की इस खोज से काफी उम्मीदें की जा सकती है। दोस्तों, चीन का एक और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अभी लाइन में है और वो है आर्टिफिशियल मून बनाने का, आर्टिफिशियल चांद, कृत्रिम चंद्रमा। जी हाँ, चीन नकली सूरज बनाने के साथ साथ नकली चांद बनाने की तैयारी में भी जुटा है, जिसे अंतरिक्ष में सैटेलाइट के रूप में स्थापित किया जाएगा और वो भी एक चांद नहीं बल्कि 3-3 चांद। और ये तीनों चांद इस तरह से स्थापित किए जाएंगे तो उनकी पोजीशन कुछ इस तरह की होगी कि उनकी रोशनी दुनिया के हर कोने में पहुंचेगी और फिर दुनिया में कभी अंधेरा नहीं होगा। खास बात यह है कि चीन का यह सपना भी जल्द ही पूरा होने वाला है। 2022 तक इसे लॉन्च करने की योजना है। चीन से आ रही खबरों की माने तो ये चांद एक तरह के शीशे से बने उपग्रह होंगे जिससे टकराकर सूर्य की किरणें धरती पर पहुंच सकेंगी। ये उपग्रह धरती की सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाएंगे। इनकी रोशनी इतनी तेज होगी कि किसी भी सड़क पर स्ट्रीट लाइट की जरूरत नहीं होगी। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो जल्द ही हमें आसमान में 3 और चांद नजर आएंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं और ये भी बताना ना भूलें कि आप प्रकृति के साथ इस किस्म का खिलवाड़ हमें करना चाहिए या नहीं। ये सवाल सभी से पूछने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।